लेकिन अब ये नहीं चलेगा। चंद लोगों की तराजू से देश के संसाधन नहीं बटेंगे। इस देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संसाधन का बंटवारा संख्या के आधार पर होगा। माननीय काशीराम साहब नारा लगाए थे, ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा कि 1,00,000 रुपए सालाना बहुजन समाज के अत्यंत गरीब परिवारों को दे। अगर प्रश्न ये होगा कहां से आएगा, तो उसका जवाब यह है कि जब अमीरों का 16,00,000 करोड़ रुपए माफ हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स का घटाकर लाखों करोड़ रुपए का चुना सरकारी खजाने को लगाया जा सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम 10 गुना बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, तो गरीबों को सरकार पैसा क्यों नहीं दे सकती? महोदय समय आ गया है, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए दिए गए और जनजाति कार्य मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए दिए, कुल 26,000 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का 48.20 लाख का लगभग 0.54% है, जबकि हमारी संख्या 25% से ज्यादा एस सी एस टी की और बहुजन समाज की मिलाओगे तो 85% से ज्यादा है, और हमारे विकास के लिए सरकार 1% बजट 1% पैसा खर्च कर रही है, जो मिलना हमें चाहिए, जबकि मिलना हमें 25% चाहिए। ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है कहावत हमने बहुत दिन सुनी थी, पिछले लंबे समय से हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। चंद लोगों की तराजू से देश के संसाधन नहीं बटेंगे। इस देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संसाधन का बंटवारा संख्या के आधार पर होगा। माननीय काशीराम साहब नारा लगाए थे, ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा। इस बात का भी ध्यान जो है सरकारों को देना पड़ेगा। आपके माध्यम से सरकार से मेरी एक मांग है, सरकार इस योजना का लाभ भी अपने आप ले ले, सरे भी ले ले, कि 1,00,000 रुपए सालाना बहुजन समाज के अत्यंत गरीब परिवारों को दे। 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इस 1,00,000 रुपए की योजना से एक झटके से एक परिवार में गरीब परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आएगा और इनके बच्चों कुपोषण खत्म होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को सम्मानजनक जीवन मिलेगा, और इससे वास्तव में सबका साथ सबका विकास का नारा सार्थक होगा। अगर प्रश्न ये होगा कहां से आएगा, तो उसका जवाब यह है कि जब अमीरों का 16,00,000 करोड़ रुपए माफ हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स का घटाकर लाखों करोड़ रुपए का चुना सरकारी खजाने को लगाया जा सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम 10 गुना बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, तो गरीबों को सरकार पैसा क्यों नहीं दे सकती? महोदय समय आ गया है, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, और मेरी आपसे ये भी मांग है, क्योंकि अब समय की मांग है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं कहूँगा कि सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगभग वो असत्य महसूस होता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों जैनों सिखों बुद्धिस्टों के लिए कुछ दिख नहीं रहा, उनकी कल्याण कोई योजना नहीं है। मदरसों को जो बजट मिलता था वो खत्म कम कर दिया गया है। आर्थिक तंगी से लोग मर रहे हैं, इंटर्नशिप की बात हुई है, परमानेंट रोजगार नहीं है। और दिल्ली में क्या हुआ बच्चों के साथ कल, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है? वो आए तो बनने थे आईएएस आईपीएस और बन क्या गए, लाशें बन के गए, यहां से कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी की नजर नहीं है। साथ साथ